कहाँ जा रही हो इतने टाइम में? मैं कहाँ जा रही हूँ इतने टाइम में, मतलब टाइम देख रहे हैं सर, 12 बजे हुए हैं मैडम, जब तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मैं भी साथ में आपको लेकर जा रही हूँ इंशाल्लाह। और 12 बजे मैं ऑडियंस के साथ अपना शेयर भी करूंगी कि आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ इतना तैयार होकर। और फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ एक दिन के वक्त में वीडियो शेयर की थी, जिसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसको मैं शेयर तो नहीं करती आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि एक कमेंट जो है उसको शेयर करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि वो कमेंट सिर्फ मुझसे नहीं, बहुत बड़े वली अल्लाह के आस्ताने से भी जुड़ी है। तो मैं आगे बात करूंगी इसके बारे में, फिलहाल मैं हो रही हूँ लेट, और अहमद साहब आप भी तैयार हो जाएं, यू ऐसे हालत में ना रहें। चले चलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं 12 बजे रात को। तब सर को मैंने बता दिया है कि हम लोगों को कहाँ जाना है, और देखिए सर को देखें बिना गेट में ताला लगाए मेरे साथ जाने को तैयार, 12 बजे रात। वीडियो के आगे आप लोगों को भी बता दूंगी कि हम लोग आखिर कहाँ चल रहे हैं, चलिए ना साथ में बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं ना दोस्तों, वहाँ कुछ लेकर जाना ज़रूरी है इस वक्त, रोड सन्नाटा, और हम लोगों ने ले लिया है ये देखिए, 12 बजने वाला है रात, और बेग बगान का ये है नज़ारा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा, हम लोग आए हुए हैं कहकशा का घर, क्योंकि आज है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, सरप्राइज देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग एंट्री ले चुके हैं और दादी बैठी है अपने सिंहासन पर। किस लिए खुशी से नींद नहीं आ रहा है? तो कहकशा का बर्थडे, बर्थडे कल कहाँ है, कहाँ है, क्या कर रही है? आ जाए क्या वहाँ बर्थडे गर्ल, जिसका बर्थडे है, और हम लोग आए हैं ठीक अभी। ये घड़ी लग रहा है फास्ट है, 5 मिनट है ना, क्योंकि पूरा 12 बज रहा है, और हम लोगों ने तुमको किया है विश, तो अभी कटेगा केक इंशाल्लाह, और तप्पी को देख ले, केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा, है ना, वेरी गुड, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, क्या कशा का केक आ गया, क्या सच में ये वाला केक, उसका मुँह देखे, सच में ये वाला केक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पेट भर जाएगा सबका, छोटी सी लड़की का छोटा सा केक, देखो केक, सच में ये केक है, कैसा कंजूस भाई है भाई, कैसा कंजूस भाई है, कसम से हम तो सोच के आए थे कि बड़ा केक मिलेगा खाएंगे, ऐसे हमको केक खाना पसंद नहीं है, लेकिन तेरा बर्थडे था तो मैं आ गई, तो बड़ा गरीब केक हो गया यार, चल ठीक है, जो भाई से हुआ दिया, सॉरी सॉरी, गरीब नहीं, दिलदार भाई, अमीर भाई, ठीक है, चल ठीक है, काट ले, सही सा केक लेकर लड़की खुश है, चले ठीक है, होता है कभी कभी। वो फ्रेंड्स, ये वाला मेन केक है, देखो ये क्या था, ये क्या था, ये सरप्राइज था, चले ठीक है, अच्छा सरप्राइज है। हम लोगों को लगा फ्रेंड्स कि सच में छोटा वाला केक आया, वो शॉक के ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटा वाला केक हो इतनी बड़ी लड़की के लिए, फिर मैंने सोचा कि चलो इसको छोटी लड़की तो छोटा केक आया होगा, अभी पता लगा है कि बड़ा वाला केक भी आया है, छोटा वाला केक भी आया है, मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई, चले ठीक है। Happy birthday to you. अब खुश है तो बड़ा वाला केक लेकर, ए कैसी लड़की, पहले अपनी निकाल के अपनी खा ली, पहले माँ को दे भाई, पहले भाई को दे, कैसी लड़की यार, अभी का ट्रेंड है। चले ठीक है, आइए सर बैठे, यहाँ नसीब अच्छा है तुम्हारा, वहाँ बैठे हैं, और यहाँ पे दादी आ गई है केक खाने के लिए, अरे खिलाओ दादी, आई है चल कर केक खाने के लिए, दादी केक खा गए, अरे कोई ताली मारे नहीं, मारे दमाद मार रहा है ताली, देखो पहले दो, सब सीनियर सिटीजन को खिलाओ लाइन से, कैमरा बंद होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, ये देखे ले जाइए, चले ठीक है,
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और चलो क्या करते जब लिखाने जाए उसको बदमाशी करके बोलता ना उर्दू में लिखो। हम तो समझे पायल है, चांदी का ब्रेसलेट है वो, उसमें कैपिटल लिखा हुआ है ना पूरे स्पेलिंग में अल्फाबेटिक ऑर्डर में। थैंक यू मम्मी और भाई जान। ओके बेबी अम्मा की तरफ से आ रही है, उसके तरफ से काशिफ की तरफ से। चल ठीक है, ले मेरे तरफ से ले लिया। थैंक यू, बहुत अच्छा है, अभी देखी भी नहीं है कौन, ये बहुत अच्छा है, पसंद है कि प्रिंट बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू, कीजिएगा उसमें जरूर, इसमें पढ़ाई भी होगा इंशाल्लाह, आएंगे इंशाल्लाह। अरे हड़िया भाई हड़िया, मेरा ऊपर छीकेगा क्या? एक बच्चा है, चले आए सर, आज फ्रेंड्स मैं अभी अपने घर में वापस आ चुकी हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, और जाते वक्त मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि मैं आकर आप लोगों से एक बात करूंगी। तो बात ये है कि आज मैंने दिन के वक्त एक ब्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने गुड एंड बैड कमेंट्स दोनों ही पढ़े थे और रिप्लाई दिया था। उस वक्त तो मुझे डाउट था कि ये जो बैड कमेंट्स है वो शायद मेरे जानने पहचानने वाले लोग ही कर रहे हैं, लेकिन अब जो हुआ ना उसके बाद से मुझे एकदम कंफर्म हो गया है कि ये एकदम श्योर क्या आपके खानदान वाले ही हैं, कोई रिश्तेदार खास? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप एकदम लोग जो है इज्जत देते हैं सर, भी रग रग से वाकिफ हो गए हैं, रग रग से वाकिफ हो गए हैं सर भी। तो ये जो लोग जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये कोई बाहर के नहीं है, ये मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनकी जो मोहब्बत है वो मुझे क्लियरली मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दिखता है। अब इसी मोहब्बत से इसी शोहरत से अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिल रही है उससे जल कर कि कुछ गंदी औरतें हैं जिन्होंने अपने नकली आईडी क्रिएट किए हैं स्पेशली आज के व्लॉग में कमेंट करने के लिए, हमेशा करती रहती है नकली नकली आईडी, पहले तो आ जाती थी मेरे दरवाजे पर लड़ने के लिए, और अब कुछ नहीं तो अब मेरे वीडियोस को देखकर उससे जल कर खुड़ कर अब सोशल मीडिया पर कमेंट कर रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आप लोग भी हमेशा मुझसे यही कहते हो कि मारूफा इग्नोर करे, और मेरे मुर्शिद का भी यही कहना है कि आप नेगेटिव बात पर ध्यान ना दो, तो मैं उनको तो हरगिज नाराज़ करने का सोच भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने उनसे इजाज़त तलब की है इस कमेंट को पढ़कर आप लोगों को सुनाने की, तो मुझे इजाज़त मिल गई है और इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये कमेंट शेयर करूंगी। तो ये जिसने भी लिखा है मुझे बहुत अच्छे से पता लग गया है कि ये आखिर है कौन और क्यों लिखा है इसने। एक्चुअली ये एक चोरनी है और इसे इसका जो हवा है ना इसको अपने बाप से मिला है, ठीक है, और मेरी ही जान पहचान की है, ठीक है, क्योंकि ये बात जो है ना अजमेर शरीफ से जुड़ी है, ठीक है। तो कमेंट अभी आप लोग सुन लीजिए। कमेंट में लिखा है कि 600 रुपए का स्लीपर क्लास का टिकट लेकर साल में एक बार अजमेर जाती है, वीडियो वहां का बनाती है और उसी से अपना कमाती है। 600 रुपए में उनके अब्बा की टेंशन नहीं, उसका अब्बा जो है ना उसी से तो उसको हवा लगा है ना चोरनी का, तो 90 रुपीज इंडियन रेलवे का रख लेता होगा। टिकट कराया नहीं होगा इसलिए पता नहीं है कि टिकट का रेट। अरे उन लोगों को तो वही लेके गया होगा फाइनेंस करके, और फाइनेंस भी किस पैसे से हुए वो भी पता है आपको? हराम की कमाई होगी कोई, हलाल की तो होगी नहीं। बहरहाल जो भी हो लेकिन अपने पैसों से नहीं गए हैं, इतना तो एकदम कंफर्म है, इसलिए टिकट का प्राइस तक नहीं मालूम है। अब उस प्राइस क्या है, क्या प्राइस है आप बताएं? 690 रुपए स्लीपर क्लास का टिकट है, और सेकंड एसी थर्ड एसी का तुम्हारा 1805 रुपए है, और सेकंड एसी का 2595, थ्री एसी का है 1695। ये चोरनी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है क्योंकि ये सारी बातों का खबर रखती है, लेकिन ये मुफ्त में किसी के थ्रू गई थी, और इसका जो टिकट है चोरनी का मुफ्त में हुआ था, कैसे पैसों से हुआ था वो मुझे आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। और इनका एक गिरोह है, ठीक है, इनका एक गिरोह है, इनका एक ग्रुप है जो बस यही करते हैं कि पहले तो कहते हैं कि मैं हम लोग तुम्हारे वीडियोस को नहीं देखते हैं, लेकिन ये बात तो मुझे उसी दिन कंफर्म हो गई थी जब एक बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाहियात औरत जो मेरी रिलेटिव है और यही रहती है और मेरे दरवाजे पर आ जाती है लड़ने के लिए और कहती है मुझसे कि बहुत मजार मजार जाती है ये वो, तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि ओ भाई ये मेरा वीडियोज़ देखती है। उस वक्त भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी ये जानकर कि चल
तुम लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज तो ये कमेंट से मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया है सर, बिल्कुल कंफर्म हो गया है, बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि ये लोग सारे मेरे वीडियोस को देखते हैं। ये तो अब हम लोगों का ये वकार है कि अगर हम लोगों को किसी से नफरत होता है, नॉर्मली जो वकार वाले इंसान होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, उन लोगों का ये होता है कि अगर किसी से किसी को नफरत हो जाए तो उसको देखकर हम लोग रास्ता चेंज कर देते हैं, हम लोग उसकी तरफ देखते नहीं है। लेकिन इन लोगों का इतना ज्यादा मतलब थर्ड क्लास वाला हरकत है ना कि देखना ही देखना है कि इसके लाइफ में क्या हो रहा है। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे और भी जो हैं जिनसे इन लोगों को जलन हसद हो जाता है, उसके लाइफ में इन लोगों की पैनी नजर रहती है। आप यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स, आज जैसे ही मैंने ये व्लॉग अपलोड किया है ना, उसके 15 मिनट के अंदर अंदर ना अहमद साहब, 15 मिनट के अंदर अंदर न्यू अकाउंट क्रिएट होता है यूट्यूब पर, जस्ट स्पेशली मेरे व्लॉग में कॉमेंट करने के लिए। सोचिए बेचैनी का आलम किस कदर मिर्चा लगा। अब खिसियानी बिल्ली क्या ही करे, खम्बा नोचे तो खम्बा नोच नोच कर तुम्हारा ही नाखून टूट जाएगा। मैं खुद कोशिश करती हूँ सर कि इस तरह का जो कमेंट्स है ना उसका मैं रिप्लाई ही ना दूं। व्यूअर्स तो जवाब दे रहे हैं, जबरदस्त जवाब देते हैं व्यूअर्स मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र कि मुझे आप लोगों के जैसे प्यार करने वाले सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स मिले हैं। बस आप लोगों के प्यार मोहब्बत और अल्लाह ताला की नजर इनायत से तो ये सारे लोग जले हैं, खुड़े हुए हैं। मतलब चोरनी का दूसरा आईडी था, इसने 2 आईडी क्रिएट किए थे, एक आईडी सितंबर में, दूसरा आईडी अक्टूबर में, स्पेशली मुझे कमेंट करने के लिए। उसमें दूसरे आईडी से लिखती है दिखाने के लिए कि देख तुझे दो लोग जो है वो डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो तू जो है अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तेरा कम हो जाए, जैसे मतलब उसका ये ख्याल था। अब ये नहीं जानती कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो अल्लाह की तरफ से आता है। तो उसने लिखा कि जा पूरा इंडिया का जाकर सैर कर। तो इंशाअल्लाह रहमान, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर। अब तक अल्लाह ने मुझे अपने बहुत सारे वलियों की चौखट की जियारत करवाई है, अल्लाह तेरा शुक्र। और इसी बात से बहुत सारे जो मेरे चीप थर्ड क्लास टाइप के जान पहचान के लोग हैं ना, इसी बात से काफी ज्यादा जले खुड़े पड़े हैं। चलिए अब मुझे ज्यादा और बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इतना ज्यादा नेगेटिविटी फैलाना। और मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करूंगी फ्रेंड्स, के अजमेर शरीफ हर एक मुसलमान का, इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं उन लोगों का जाने का सपना होता है। जो जा चुके हैं वो खुद को खुशनसीब समझते हैं, चाहे स्लीपर में जाए या फिर एसी में जाए। मैं तो अल्लाह का इतना बड़ा करम है, मैं उस चोरनी से यही कहूंगी कि चोरनी ने मुझे एसी कंपार्टमेंट में सफर करते देख खुद भी एसी कंपार्टमेंट का टिकट भीख में उसको किसी ने दिया था हराम की कमाई का, तो वो गई, ठीक है। अदरवाइज उसका बाप का उसका औकात नहीं है जो उसको मतलब लेकर जाता, ठीक है, एसी कंपार्टमेंट में उसको लेकर जाता। बहुत ज्यादा हेवी लव्स बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, लेकिन जैसी बेटी है उसको अपने बाप का ही हवा है, ये जो गंदगी है ना उसको विरासत में मिली है। आप लोग कहोगे कि मारूफा ऐसे किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं जानते हो कि किस हद के गिरे हुए लोग हैं ये लोग, ठीक है। नकली आईडी क्रिएट करके कमेंट्स करना कोई अच्छे शरीफ लोगों का काम नहीं है, तो ये लोग तो है ही रजील, क्या किया जाए। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो अजमेर जाना चाहते हैं, उन लोगों को मैं यही कहूंगी कि 3 महीने पहले से टिकट बुक करवाए। अभी सुना था मैंने कि 2 महीने पहले टिकट हो रहा है, ये क्या सही है अभी खबर? मतलब 2-3 महीने पहले करवाया जा सकता है ना टिकट। जनवरी में ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का उर्स मुबारक है, तो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो वहां का टिकट जल्द से जल्द करवा ले। और वहां पे बहुत सारे होटल्स होंगे, आप अपने सहूलियत के हिसाब से जितने भी होटल्स है उसमें देख लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हजरात कभी नहीं गए हैं और जियारत सच में करना चाहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का, तो वो अंदीना जाए। उर्स के मौके में बहुत ज्यादा भीड़ होता है, प्लस वहां पे जितने भी होटल्स होते हैं वो सबका प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और उर्स के अलावा अगर आप लोग कभी क्या होता है ना वहां पे अहमद साहब, छठी शरीफ में आप जाओगे तो उस वक्त भी हर महीने होता है। हम लोग जब छठी शरीफ में पहुंचे थे उस वक्त भी होटल का जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा हाई है। और तू चोरनी, मैं तुझसे कहूंगी कि तुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं किन किन व्हीकल्स में सफर कर चुकी हूँ, सिर्फ स्लीपर में ही नहीं, सिर्फ एसी में ही नहीं, बल्कि प्लेन में, वाटर के शिप में, सब जगह मैं अल्हम्दुलिल्लाह सफर कर चुकी हूँ। बस इसी बात से तेरी जली फटी पड़ी है, मगर हलाल के पैसों से मैंने किया है, हराम के पैसों से नहीं, और अपने गट्स पर किया है, तेरे जैसे नहीं। तुझे तो कोई भीख में लेकर जा रहा है वो भी हराम के पैसों से, ख्याल कर चोरनी।
चलिए फ्रेंड्स, बस बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। मैं बिल्कुल ऐसी हूं नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी बोलते हैं ना कि गंदों के साथ में अगर आप ज्यादा शराफत से बात करोगे तो गंदे जो है वो आपको कमजोर समझकर आपका मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए मैंने आज ऐसे लफ्जों में बात किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे मुर्शिद भी मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।